नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष परमार और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग गीक्स पे। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिमूव चाइना एप्स के बारे में। सो दोस्तों, आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि क्या ये सब है और कौन सा ऐप चल रहा है ये जो प्ले स्टोर से हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, देखते रहिएगा इस वीडियो के पीछे और उस ऐप के पीछे की पूरी सच्चाई। और हम बात करेंगे जो कि टिकटॉक के जो दूसरा मतलब उसका कॉम्पिटिटिव है मित्रो ऐप करके, तो दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो देखते रहिएगा इस वीडियो को, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए दोस्तों और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और फिर इस वीडियो का पूरा मजा लीजिए दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा और इंट्रो में सुना, मैं सिमिलरली और सेम टू सेम वही आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिमूव चाइना एप्स एप्लीकेशन के बारे में कि क्या है और क्यों है, सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं और जैसा कि हम लोग मीन्स देख रहे हैं और हमें मीन्स इंफॉर्मेशन मिली है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो एप्लीकेशन है रिमूव चाइना एप्स के नाम से, तो ये एप्लीकेशन कुछ वन टच एप लैब्स के एप लैब्स ने बनाई है, और इसका ओरिजिन कुछ जयपुर राजस्थान में हुआ है और ये इंडिया से ही बिलोंग करता है। ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी कुछ 17 मई के आसपास और इसने 10 दिन के अंदर ही 1 मिलियन डाउनलोड प्लस कमा लिए। मीन्स एक अचीवमेंट ही है कि इतने कम टाइम में इतने सारे डाउनलोड्स गेन करना बहुत इजी बात नहीं होती है, तो इसने ये चीज कर बताई है। तो बहुत ही मीन सभी फेमस चल रहा है, हर जगह देखो तो रिमूव चाइना एप्स हो रहे हैं। तो ये है क्या और करता क्या है, तो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली करता क्या है, इसको आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। वो परमिशंस मीन्स पर्सनल तो नहीं होती है बट कुछ मांगता है, तो उसे मांगने के बाद वो क्या करता है, आपके फोन को वहां पे स्कैन नाउ का ऑप्शन होता है, तो जब उसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपके फोन को स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद आपके फोन के अंदर जितनी भी यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है, चाइनीज एप्लीकेशंस है, उन सबको आपको रिपोर्ट करता है कि ये एप्स चाइना का ओरिजिन है, मीन्स चाइनीज इसका ओरिजिन है, चाइना में इसको बनाया गया है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि हर एक ऐप को चेक करता है और उसका ओरिजिन चेक करता है कि ओरिजिन इसका कहाँ से है, और जो जो भी मीन्स चाइना के ओरिजिन से होते हैं उन सबको सिमिलरली मीन्स यूजर को एक नोटिफिकेशन देता है कि ये एप्स मीन्स चाइना से है। मीन्स फोर्स नहीं करता है कि आप डिलीट करो, ये करो, वो करो, ये यूजर से पूछता है कि आप क्या डिलीट करना चाहते हो। तो यूजर अगर चाहता है कि हाँ मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं इस ऐप को, तो यूजर वन बाय वन करके सारी एप्लीकेशन जो भी चाइनीज ओरिजिन से है उन सबको डिलीट कर सकता है। ये यूजर के ऊपर है, ऐप कुछ नहीं कर रहा है, ऐप सिर्फ क्या करता है आपको उसका ओरिजिन, जो भी एप्लीकेशन का ओरिजिन है वो फाइंड आउट करके आपको दे रहा है। ठीक है, अब ओरिजिन की बात करते हैं जो कि ऐप काम कर रहा है। तो इस बारे में अगर बात करें तो ऐप खुद बोलता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो करेक्ट हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, इसकी वो कोई गारंटी नहीं लेता। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की वो सही है, वो ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि उसने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो गलत है। मीन्स वो कोई टाइप की गारंटी नहीं लेता है, आप जो भी स्टेप्स लेना चाहो वो आपकी मर्जी है। मीन्स अगर कल को कुछ होता है तो पूरा ब्लेम मीन्स आपके ऊपर जाएगा कि आप लोग की वजह से ये चीज हुई है। तो इसके अंदर ऐप कोई भी गारंटी नहीं ले रहा है दोस्तों, ये मेन बात सुन लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन की बात करना चाहूं तो ये कुछ वन टच एप लैब्स ने बनाया है, और अगर इस
एप लैब्स की बात करें तो ये क्लेम करती है कि इसने कुछ 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसको इस फील्ड में। और इसके वेबसाइट पे अगर हम देखने चाहें तो इसका सिर्फ एक प्रोडक्ट ही हमें दिखाई देता है। मीन्स 8 साल में इसने सिर्फ एक प्रोडक्ट्स पे ही काम किया है, जो कि मीन्स 17 मई को लॉन्च किया है। तो ये कुछ सोचने वाली बात होती है दोस्तों, तो ये चीज हम सोचेंगे थोड़ा। और मीन्स आप मैं कोई आपको मीन्स डायरेक्टली ऐसे कोई वे नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज ये है वो है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है तो आप इसके बारे में सोचिएगा। तो सोचिए दोस्तों कि ये सिर्फ 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इसने 17 मई को एक ऐप लॉन्च किया, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं चाइना के बारे में, तो बहुत कुछ इसके ऊपर चल रहा है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं तो जैसे COVID-19 जो सिचुएशन अभी चल रही है उसका पूरा का पूरा ब्लेम चाइना पे जा रहा है कि चाइना की वजह से ये हुआ है। फिर अगर बात करते हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो इसके बीच में जो कुछ भी चल रही है सिचुएशन, इसका भी पूरा ब्लेम चाइना के ऊपर जा रहा है कि चाइना का मीन्स ऐप ओरिजिन है, टिकटॉक मीन्स वहां का ओरिजिन है, तो टिकटॉक को बैन करो, ये करो, वो करो। तो ऐसी बहुत सारी मीन्स बातें चल रही है। तो इस हर चीज में मीन्स चाइना बीच में आ रहा है कि चाइना 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 हर जगह यही है। तो दोस्तों जैसे कि अगर बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक का एक राइवल एप्लीकेशन है जो कि मित्रों नाम से है प्ले स्टोर पे। सो इस एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो इस एप्लीकेशन का मीन्स ऐसा था कि इसका जब लॉन्चिंग हुआ, और ये मीन्स क्या इंडिया बेस्ड है, इंडिया इसका ओरिजिन है, इसके अंदर हुआ क्या था कि कोई IIT रुड़की का कोई स्टूडेंट है, उसने मीन्स इसे क्रिएट किया था, इस एप्लीकेशन को डेवलप किया था। और इस एप्लीकेशन ने भी मीन्स बहुत कम टाइम में अप्रोक्स टू 1 वीक या 10 डेज के अंदर मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स इसने गेन कर लिए थे। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और जैसे कि अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक मीन्स बहुत डाउनग्रेड हो रहा था, और वो जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अपग्रेड हो रहा था। बट देखने जाए तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। तो मेन सवाल आता है कि इस एप्लीकेशन को क्यों हटा दिया गया। तो अगर बात करते हैं इस एप्लीकेशन की कि इसको क्यों हटा दिया गया, तो इसके बारे में अगर बोलूं तो कोई पाकिस्तान की कोई कंपनी है क्यू बॉक्सेस करके, तो वो क्लेम ऐसा कर रही है कि ये जो भी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का जो कोड है, जो भी सोर्स कोड है, वो पाकिस्तानी किसी क्यू बॉक्सेस करके जो कंपनी है वहां से बाई किया गया है, और फिर उसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए गए, माइनर चेंजेस कर दिए गए, और उसको फिर यहाँ पे इंडिया में उसको रिक्रिएट किया गया और फिर उसको लॉन्च किया गया। तो इस ब्लेम के कारण से गूगल प्ले स्टोर ने इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके बारे में मीन्स बहुत सारी बातें अभी चल रही है मित्रों ऐप के बारे में, तो इसको हटा दिया गया है। और जैसे कि अगर देखा जाए तो इसके मीन्स प्राइवेसी इश्यूज ये सब बहुत कुछ थे, इस वजह से इसको हटा दिया गया है गूगल प्ले स्टोर से। मीन्स जो भी अभी एप्लीकेशन था टिकटॉक के राइवल में, जो कि हमारा मित्रो ऐप था इंडियन ओरिजिन का, तो उसको हटा दिया गया है। तो ये एक मीन्स ट्रुथ है कि अभी ये प्ले स्टोर पे नहीं है। और अगर बात करते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक की अगर बात करते हैं तो इसकी रेटिंग्स 1.3 तक चली गई थी, और अभी अगर हम देखते हैं तो इसकी रेटिंग 4.6 समथिंग कुछ है। तो ये चीज कैसे हुई? तो ये चीज ऐसे हुई कि गूगल जो है, गूगल ने क्या किया कि इसके अंदर जितने भी कमेंट्स थे, जो भी रिव्यूज किए गए थे इस एप्लीकेशन के बारे में, तो गूगल ने किया ऐसा कुछ कि उसके जो भी फालतू के रिव्यूज दिए गए थे, जो कि गूगल को लगा कि ये मीन्स ऐसे ही किसी ने लिख दिया है, तो गूगल ने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। गूगल ने कुछ 5-6 मिलियन जितने कुछ रिव्यूज हटा दिए अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन से, और जो भी इसके टिकटॉक का जो रिव्यू का था वहां से। उस वजह से इसकी जो रेटिंग है, जो भी हमारे टिकटॉक ऐप की रेटिंग है, वो ऊपर पहुंच गई पूरी 4.6 तक। तो इस हिसाब से कुछ टिकटॉक को प्रमोट किया गया, और जो भी मित्रो ऐप था उसको डाउनग्रेड किया गया। तो इस हिसाब से ये सब चल रहा है। और अभी
इस एप्लीकेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से तो इस एप्लीकेशन में ऐसा तो कुछ है नहीं। और दूसरी बात अगर एप्लीकेशन की करें तो एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं एप्स को उसी एप्स का मीन्स ओरिजिन बताती है जो एप्स यूजर ने इंस्टॉल किए हो। ये जो भी इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती है इसका कुछ भी ओरिजिन नहीं बताती है। तो इस बारे में जो भी उसके डेवलपर्स थे उन लोगों ने ऐसा कहा था कि इसका एक न्यू वर्जन हम लोग लाएंगे जो कि इस एप्लीकेशन को मीन्स प्रमोट करेगा कि वो जो भी हमारी इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती है उसको भी सर्च करे और सर्च करने के बाद आपको बताए कि ये एप्लीकेशंस है और ये एप्लीकेशंस मीन्स चाइनीज ओरिजिन से है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में भी आप थोड़ा सोचना दोस्तों। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सो दोस्तों तब तक के लिए सी यू गाइस, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड जय हिंद।